टाइगर 3 के लिए एक्साइटेड है? क्या आप जानना चाहते हैं एक तक टाइगर और टाइगर जिंदा है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? कौन देने वाला है टाइगर के तीसरी सीरीज का म्यूजिक? किसने मचाया था टाइगर की ओल्ड सीरीज में म्यूजिक से धमाका? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आपको बता दे कि सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 की शूटिंग 8 मार्च से मुंबई में शुरू हो चुकी है, जहां पहले एकता टाइगर को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने और टाइगर जिंदा है को डायरेक्ट किए थे अली अब्बास जफर ने। तो वहीं इस बार इसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष शर्मा। माना जा रहा है कि टाइगर 3 बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन मूवी के रूप में तैयार हो रही है। मेकर्स ने यह दावा किया है कि यह फिल्म पहले की दोनों फिल्मों से काफी बड़ी और बेहतर होगी। इसमें दर्शकों को वह सब कुछ देखने को मिलेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। बताया जा रहा है कि टाइगर 3 का बजट 350 करोड़ के भी पार हो गया है। जब इसके एक्शन को लेकर डायरेक्टर मनीष शर्मा से बात की गई थी तो उन्होंने बताया कि हमने इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी है। सलमान और कटरीना दोनों ही बेहतरीन ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। अगर बात करें एकता टाइगर और टाइगर जिंदा है के, तो दोनों ही फिल्मों में विलन की भूमिका किसी भी बड़े एक्टर ने नहीं निभाई थी, लेकिन इस बार मामला एकदम अलग होने वाला है, क्योंकि टाइगर 3 में जो विलन के रोल में नजर आएंगे वो और कोई नहीं बल्कि द मोस्ट हैंडसम एंड द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इमरान हाशमी होंगे। जब एक रिपोर्टर ने चलते चलते इमरान से पूछा कि इमरान सर, टाइगर इज ऑन द वे, क्या आप इस मूवी में हैं? तो इमरान तेज से हंस पड़े और बोलने लगे, अभी बातें चल रही है। फिर रिपोर्टर ने कहा कि सर बताइए ना, अगर ऐसा हुआ तो कैसा रहेगा? तो इस बात पर इमरान थोड़ा और हंसे और बोले कि आप जाकर टाइगर से ही पूछिए ना, सलमान आपको बताएंगे। एकता टाइगर की संगीत की तुलना साजिद वाजिद के एक विशेष ट्रैक के साथ सोहेल सेन ने की थी, जबकि टाइगर जिंदा है के गाने विशाल और शेखर द्वारा डिजाइन किए गए थे। प्रीतम पहली बार टाइगर की दुनिया में प्रवेश करता है और एक फिल्म की तीसरी किस्त से भी भयानक संगीत की उम्मीद करता है। प्रीतम ने पिछले दशक में रेडी, बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट जैसे सलमान खान की फिल्मों का संगीत तैयार किया है और यह 5 साल बाद दोनों के लिए एक पूर्ण मिलन होने वाला है। वह एक और सलमान खान की फिल्म के लिए संगीत तैयार कर सकता है। आदिति चोपड़ा के लिए प्रीतम ने धूम, धूम 2, धूम 3 और बदमाश कंपनी जैसे एल्बमों में संगीत पर मंथन किया है। संगीत विशाल वर्तमान में ब्रह्मास्त्र 83 पर एल्बम पर काम कर रहे हैं और लाल सिंह चड्ढा और तड़प पे भी काम कर रहे हैं। तो कैसे लगे आपको ये सारे फैक्ट्स टाइगर 3 के बारे में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है दिव्या शर्मा।